हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। आदत इसकी भी आदमी सी है, अब दुनिया बदल रही है। नव दुर्गा पर्व पर लगा कि दुनिया जरा ज्यादा ही बदल गई। नव दुर्गा पर्व से ज्यादा धूम गरबे की रही। ब्यूटी पार्लर और कपड़े वाले अमीर हो गए। जो माँ की चुनरी और प्रसाद बेचते थे वो इस तरह की मंदी में फकीर हो गए। आजकल भाई गरबे का ट्रेंड है। माँ के पंडाल 9 दिन सूने रहे। कमेटी वाले और सच्चे भक्तगण ही माँ की भक्ति में मस्त रहे। बाकी हाई प्रोफाइल लोगों का तो 9 दिन बड़ी बड़ी होटलों में तांता लगा रहा, जहाँ गरबा चलता रहा। गरबा गजब खिला, टिकट खूब बिके, सेल्फी भी गजब ली गई। माँ के भजनों की इन गरबों में कंजूसी की गई और फिल्मी गानों पर जमकर गरबा हुआ। सुना है गुजरात राजस्थान से है गरबा, अब मध्य प्रदेश में गुजरात से ज्यादा धूम मचा रहा है। गरबे में परंपरा यह रही है कि कुछ बच्चियां सच्छिद्र घरों को फूल बत्तियों में सजाकर उनके चारों ओर नृत्य करती थीं, जिसमें ताली, चुटकी, खंजरी, डांडिया, मंजीरा ताल देने के लिए प्रयोग होता था। इसमें बच्चियां आपस में नृत्य करती थीं, लेकिन यह पहले का गरबा था। अब सिस्टम बदल गया है। पहले का गरबा माँ के पंडालों में होता था, अब जितनी महंगी होटल में होगा उतनी ही माँ की भक्ति वाला सही गरबा माना जाएगा। गरबे का संविधान कुछ ऐसे गरबा क्लास वालों ने लिखा है जो कम वक्त सोते हुए भी नाचते हैं। गरबा में महंगे कपड़े पहने जाते हैं, हाथ में 2 डांडियां ली जाती हैं, एक दूसरे से डांडियां बजाती हुई दौड़ लगाकर डांस किया जाता है। माँ के भजनों में कम लेकिन फिल्मी गानों में थोड़ा उत्साह के साथ डांस किया जाता है। अब कुछ गरबों में कपड़ों के विशेषज्ञ हो गए। इन गरबा विशेषज्ञों के यहाँ ऐसी लाइन लगी रहती है जैसे सरकार के नेताओं के यहाँ चापलूसों की लाइन होती है। गरबा के जानकार नवदुर्गा पर्व पर इतने व्यस्त रहते हैं, इनकी व्यस्तता देखकर लगता है कि यही देश की सरकार चला रहे हैं। वहीं युवाओं के परिजन 9 दिन कपड़े और ड्रेस ही खरीदते रहते हैं। गरबा अब देश बदल रहा है। बीते दिनों हेलमेट पहनकर गरबा हुआ, संदेश दिया गया कि हेलमेट लगाएं।
कमबख्त मीडिया ने उसे इस कदर प्रसारित किया जैसे साक्षात श्री कृष्ण ने धरती पर उतरकर कहा कि बेटा हेलमेट लगाओ नहीं तो जिंदगी नहीं रहेगी। भाई गजब हो गया। अब दुनिया बदल रही है, हाई प्रोफाइल लोगों ने यह भक्ति के चोंचले निकाले हैं। गरीब भूखा है, परेशान है, मोहल्ला वार्डों गलियों में नवरात्रि पर्व पर पंडाल इस वजह से सूने हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी होटलों में गरबा खेलने गए हैं। माँ क्या करें, यह सिस्टम है, इसे अब आपको भी पास करना होगा, क्योंकि ऐसे विचित्र मानवों ने अब भक्ति के सहारे एक ऐसी दुनिया तैयार की है जहां आपके नाम पर मस्ती होती है, भक्ति नहीं। यश दीक्षित, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9993766776। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।